नमस्कार और सभी स्टूडेंट्स को वेलकम। आप लोगों की और हम लोगों की जो सीरीज चल रही है मई टू मई का करंट अफेयर्स का, तो वो अगली कड़ी आज पार्ट सिक्स है इंटरनेशनल रिलेशंस पर। जितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको एक तरह से आप तक लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो जिसको भी पहले का वीडियो देखना है वो बाकायदा 5 वीडियो अवेलेबल हैं, ज़रूर देखें। सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, खासकर यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस इन सबों के। पहला प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कैंप डेविड समिट दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज होस्टेड बाय, किसके द्वारा यह जो समिट था होस्ट किया गया था। तो ऑप्शन में बहुत सारा है, उत्तर है इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, कैंप डेविड समिट जो था ये यूनाइटेड स्टेट से संबंधित है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, बड़ा सा एक सरल सी बात है। कैंप डेविड एक जगह है, ठीक है, 125 एकड़ का आसपास का ये जगह है, और ये आपके जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उनका ही आवास है, रिट्रीट है, जो कहाँ पर है, बेसिकली वुडेड हिल। याद रखेंगे वुडेड हिल ऑफ कैटोन किंग माउंटेन पार्क, और मैरीलैंड जगह है नियर द टाउन, कहां पर, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, दो तीन चीजों को याद रखेंगे। एक तो ये कैंप डेविड, प्रेसिडेंट का आवास, वुडेड हिल, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, और कैटो किंग एक माउंटेन पार्क है वहां पर, वहीं पर है, मैरीलैंड जगह का नाम है, वो शहर का नाम है वाशिंगटन में, डीसी में, वहां से बिलोंग करता है। द यूएस, इजराइल एंड इजिप्ट नेगोशिएशन इवेंचुअली रीच्ड द कैंप डेविड अकॉर्ड। कैंप डेविड एक अकॉर्ड यहीं पर बैठ करके कुछ लोगों ने मिल करके, यूएस के जो हेड ऑफ स्टेट थे, इजराइल और इजिप्ट, इन तीनों ने मिलकर एक कैंप डेविड अकॉर्ड यानी एक समझौता किया 1978, जिसका मकसद सिंपल था कि पीस इस्टेब्लिश किया जा सके इसराइल और इजिप्ट के बीच में। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सब बातों को, क्योंकि युद्ध चल रहा है, इस पर संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अफ्रीकी यूनियन से रिगार्डिंग है क्वेश्चन। पहला, लेस देन हाफ, आधे से भी कम, द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका आर द पार्ट ऑफ यूरोप अफ्रीकन यूनियन, मतलब अफ्रीका के आधे से भी कम देश अफ्रीकी संघ का हिस्सा है। बिल्कुल गलत, 56 देशों में से 55 देश इसका हिस्सा है। पहला पॉइंट तो आप इसको जान लें। दूसरा है, सिरते डेक्लरेशन कॉल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, सिरते घोषणा में अफ्रीकी संघ की स्थापना का आह्वान किया गया था। यह बिल्कुल सही है, सिरते घोषणा। हाल में अफ्रीकी यूनियन G20 में शामिल हुआ, इसका मतलब 2 और 3 सही है, 1 गलत है। ध्यान रखेंगे ये सब बातों को, थोड़ा सा इस पर आप देख लीजिए, बहुत कुछ आपको पता होगा। अफ्रीकी यूनियन में 55 देश हैं, 56 में से अफ्रीका के। ये सित्रे डेक्लरेशन जो सित्रे लीबिया में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे, वहां से हुआ था, सितंबर 99 में डेक्लरेशन हुआ था और उसके बाद अफ्रीकन यूनियन बना। अभी 18th G20 जो इंडिया में हुआ था, उसमें दिल्ली में अफ्रीकन यूनियन जो था वो इसका मेंबर बन गया। ठीक है, तो यानी अब G20 में 19 देश और 2 यूनियन आ गए हैं, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकी यूनियन। अगला क्वेश्चन पर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEEEC, मतलब भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न, पहला क्या, ये जो कॉरिडोर है इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट एम्स टू क्रिएट कनेक्टिविटी थ्रू रेल, रेल के द्वारा और शिप के द्वारा, दोनों के द्वारा यह कनेक्ट किया जाएगा यूरोप को, खासकर पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप को कनेक्ट करेगा भारत से। तो क्या यह सही है? दूसरा पॉइंट, यूएसए और EU आर द पार्टिसिपेटिंग कंट्री, क्या यूएसए भी इसमें शामिल है? बिल्कुल सही, ये भी शामिल है, ये पहला भी दूसरा भी सही है। अगला, इट इज अ पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ द रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर
ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII। यह रेल और शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII के लिए एक साझेदारी हिस्सा है, मतलब उसी से रिलेटेड एक सब योजना है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, तीनों सही है। ये जो है ना, ये जो मैं अभी इस पर एक क्वेश्चन आ रहा है तो मैं वहां पर खुल के बताऊंगा। ये जो PGII है, ये बेसिकली चाइना के वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव चाइना का है, उसको काउंटर करने के लिए G7 के द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो ये तीनों ही लाइनें सही है। ये आप देख सकते हैं, ये इमेज है, ये बकायदा इंडिया से, चाहे वह यहां से हो, गुजरात से या मुंबई से, यहां से होते हुए ये UAE तक जाएगा, UAE से होते हुए आगे बढ़ते हुए सऊदी अरब से होते हुए ये निकलेगा और यहाँ पर यह पहुँचेगा, फिर ये इसराइल पहुँचेगा और इसराइल के थ्रू ये जाएगा यूरोप तक। ठीक है, इसमें जॉर्डन भी का भी एक हिस्सा शामिल है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। जॉर्डन से बाकायदा बात हो रही है। यहाँ पर एक बात और भी देख लीजिए, ये जो डेवलपमेंट एम क्या है, एम है कनेक्टिविटी थ्रू द रेल एंड शिपिंग। आपको मैंने कह दिया किसके लिए, और एनर्जी भी है, केबल भी है और डाटा लिंक भी करना है। कंट्रीज कौन कौन है? इंडिया है, सऊदी अरब है, UAE है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, USA है और यूरोपियन यूनियन भी है इसमें शामिल। ठीक है, याद रखिए, जॉर्डन से बात चल रही है, जॉर्डन को लेना है इसमें। इसको क्या करना है? बूस्ट करना है ट्रेड, क्लीन एनर्जी एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ। ठीक है, ये क्या होगा? ये एक तरह से अल्टरनेटिव है चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का, आपको पता है ये सब बातें। और ये जो बेसिकली है, ये एक तरह से ये एक पार्ट है PGII का, जो मैंने आपसे कहा था कि पार्टनरशिप फॉर द रेल शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो G7 का है। ये जो कॉरिडोर आया है, ये ऊपर वाला, ये बेसिकली सितंबर महीना में 2023 में आया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आगे। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि PGII आ रहा है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा, PGII के पर ये कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। PGII इज अ ग्लोबल कलेक्टिव एफर्ट बाय द G20 कंट्री टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द डेवलपिंग नेशन। PGII विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण करने के लिए G20 देशों का एक प्रयास है। ये गलत है, G20 नहीं है, G7 है, मैंने पहले ही कह दिया। दूसरा, इट सर्व एंड अल्टरनेटिव टू चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। वाजी बात है, चाइना के वन बेल्ट वन रोड का विकल्प के रूप में इसको तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात। तीसरा, PGII इम्फेसिस चैरिटी ओवर लोन बेनिफिटिंग द रिसर्विंग कंट्री, मतलब रिसीविंग कंट्री, मतलब यह ऋण के बजाय दान पर ज्यादा विश्वास कर रहा है, क्योंकि ऋण तो चाइना दे ही रहा है, तो आप तक लोग क्यों पहुंचे, आपसे लोग क्यों जुड़े, तो हमने कहा दान, ये दान पर ज्यादा जोर दे रहा है, खासकर विकासशील देशों में, बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है, ये दो सही है, पहला वाला गलत। यहां पर देख लीजिए आप, PGII जो है पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनिशिएटिव जो है 2021 में आया था, G7 समिट जो हुआ था UK में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, G7 कंट्री के द्वारा, ये फुल्ली उन्हीं के द्वारा फंडेड है, याद रखेंगे। और ये अल्टरनेटिव होगा बकायदा चाइना के वर्ल्ड बेल्ट वन रोड्स के द्वारा, और ये इम्फेसिस करेगा लोन से ज्यादा चैरिटी पर, ताकि बेनिफिट मिल सके जिसको दिया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। और काम क्या करना, सिंपल सी बात करना, चाइना को बैलेंस करना है, तो आगे और भी मोबिलाइज फंड फॉर द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फोकसिंग ऑन द ट्रांसपेरेंसी सस्टेनेबिलिटी एंड जेंडर इक्वालिटी। ट्रांसपेरेंसी वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि चाइना के वन बेल्ट वन रोड पर कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सारे लोग दिक्कत में। आगे एक है, द ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर इज प्रपोज्ड। ये प्रपोज्ड है सी रूट बिटवीन किसका, इंडिया और किसके बीच में है, तो ये रसिया के बीच में, याद रखेंगे। ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर ये इंडिया और रसिया के बीच में है, इसको ध्यान में रखेंगे। देख लीजिए, प्रपोज किया गया है, अभी आया नहीं है। यह द ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर, ये सी रूट होगा बिटवीन इंडिया का, चेन्नई से शुरू होगा और ये बोल्डी वोस्टक तक जाएगा रसिया। ठीक है, और थ्रू द सी ऑफ जापान, जापान सी, साउथ चाइना सी होते हुए मलक्का स्ट्रीट, है ना, तो ये इंडिया से होते हुए मलक्का स्ट्रीट से होते हुए साउथ चाइना सी और सी ऑफ जापान से होते हुए कहां तक पहुंचेगा, बोल्डी वोस्टक तक पहुंचेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे
हरामी नाला इज 22 किलोमीटर टाइडल चैनल दैट सर्व्स एज नेचुरल बाउंड्री बिटवीन कौन कंट्री, किस कंट्री के बीच में ये जो नाला है हरामी नाला, ये किस दो देशों के बीच में एक टाइडल चैनल है, एक ज्वारीय चैनल है दो देशों के बीच में। याद रखेंगे ये भारत और बांग्ला पाकिस्तान के बीच में है, जरूर ध्यान रखें ये सब क्वेश्चनों को। देखिए ये जो हरामी नाला है ये बेसिकली 22 किलोमीटर टाइडल चैनल है दैट सर्व्स एज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द चैनल कैरीज वाटर एंड मड, इसमें चैनल में वाटर भी है और मड भी है यानी कि मिट्टी है, गाद है, एंड इज इनहैबिटेड बाय द प्रोटेक्टेड मैरीन स्पीशीज, बहुत सारे मैरीन स्पीशीज भी है, ठीक है याद रखेंगे। समर में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ऊपर चल जाता है, माना जाता है 50 डिग्री टेम्परेचर तक चल जाता है, ठीक है, मार्सी लैंड का एरिया है याद रखिए। अगला प्रश्न, द बैरेंट लाइन जो कि इमेजिनरी लाइन है इज ए कॉन्सेप्ट दैट हाईलाइट, ये किसको हाईलाइट करता है, काल्पनिक रेखा किसको उजागर करता है, तो ये करता है ग्लोबल इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज को, असमानता, जो विश्व वैश्विक असमानता है उसके लिए एक तरह से कहा जाए एक इमेजिनरी लाइन है जिसको ये करता है। ये क्या है जरा देख लेते हैं एक पॉइंट में, देखिए द बैरेंट लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, इज अ कॉन्सेप्ट दैट कैटेगराइज द वर्ल्ड इंटू रिच कंट्री मेनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये एक तरह से कैटेगराइज करता है, एक तरह से दो भागों में बांटता है, रिच कंट्री और पुअर कंट्री। रिच कंट्री जो है बेसिकली वो उत्तरी गोलार्ध में है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और पुअर कंट्री मोस्टली किसमें है साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसी को दिखाने के लिए, शो करने के लिए ये ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ठीक है याद रखेंगे। द लाइन इज बेस्ड ऑन द नॉर्थ साउथ अ प्रोग्राम फॉर द सर्वाइवल, ये लाइन किस, द लाइन इज बेस्ड ऑन याद रखेंगे नॉर्थ साउथ अ प्रोग्राम फॉर द सर्वाइवल, ठीक है यह है अ रिपोर्ट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल इनइक्वालिटी, ठीक है ध्यान में रखिएगा ये सब बातों को। चलिए अगले पर आते हैं, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क इज इनिशिएटिव ऑफ, ये किसका पहल है ग्लोबल लाइट हाउस, इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, इसका जो उत्तर होगा वह होगा द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जब ग्लोबल लाइट हाउस जो नेटवर्क है ये इनकरेज करता है एडॉप्शन ऑफ एडवांस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग, ये बेसिकली एक अवधारणा है जिसके तहत, एक इनिशिएटिव है जिसके तहत में इसका जो इनकरेज किया जाता है कि फोर्थ जनरेशन का रिवॉल्यूशन लाया जाए। अभी माना जा रहा है थर्ड जनरेशन का रिवॉल्यूशन चल रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अब फोर्थ जनरेशन का हो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो किस पर बेस्ड हो, पीपल बेस्ड हो, याद रखेंगे ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है ये कोलैबोरेशन है किसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है उसका, ठीक है याद रखेंगे। जिससे जिसका मेन यूज क्या, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए ताकि पीपल फ्रेंडली और पीपल सेंट्रिक बन सके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वाजिब बात है इसमें इम्पावर भी होगा, अप स्किल भी होगा ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स, बिल्कुल बात है। इसमें इंडस्ट्री नेट जीरो का मतलब हुआ कि नेट जीरो इमर्सन, कोशिश यह किया जाएगा कि ऐसे चीज़ों को इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाए, इंडस्ट्री के फोर्थ जनरेशन जो बेसिकली बात बार बार की जा रही है कि फोर्थ जनरेशन औद्योगिकरण की बात जो हो रही है, इसमें नेट जीरो की बात की जाती है, कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, नहीं के बराबर हो, उस पर भी इसका फोकस रहेगा। यानी कुल मिलाकर सर्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज है, ठीक है याद रखेंगे। इसमें एक बात और भी किया गया कि रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द ग्लोबली सप्लाई चेन कॉन्फ़िगरेशन ड्रिवन बाय द सस्टेनेबिलिटी, मतलब एक तरह से यहाँ पर यह भी है कि सप्लाई चेन को सही करते हुए ग्लोबल सप्लाई चेन में कहीं कोई दिक्कत ना हो, एक तो उस पर भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी की बात भी इसमें की गई है, ठीक है आगे चलिए। और इस ढंग से चीजों को बनाना है जो चेंजिंग डिमांड ऑफ द कंज्यूमर जो है उसके हिसाब से बने, वाजिब बात है मैंने पहले ही कह दिया था कि पीपल एज द फ्यूचर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि पीपल ही है जो पीपल सेंट्रिक बनाना है चीजों को और डिमांड के अनुरूप बनाना है, इस ढंग की बातें की गई। आगे देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ द लॉ ऑफ द सी जो ITLOS है is an independent judicial body established by the United Nations Convention on the Law of the Sea, यानी समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय
न्यायाधिकरण समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। तो क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, यह एक इंडिपेंडेंट जुडिशियली बॉडी है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के द्वारा उसके लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश हुई थी। दूसरा पॉइंट है कि द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ द लॉ ऑफ द सी यानी कि ITLS हैज जुडिक्शन ओवर द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लिविंग रिसोर्सेज ऑफ द सी प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द मैरीन एनवायरमेंट एंड मैरीन साइंटिफिक रिसर्च। बिल्कुल सही बात है, और किसके लिए होगा? यानी समुद्र के कानून के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण बना है के पास समुद्र के जीवित संसाधनों के संरक्षण, जीवित में मछली भी हो सकता है, शैवाल भी हो सकते हैं, और उसका प्रबंधन यानी कि संरक्षण प्रबंधन, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित विवादों पर अधिकार क्षेत्र होगा, इन सब पर अधिकार क्षेत्र होगा। तीसरा पॉइंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ऑल्सो एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रेगुलेशन ऑफ द सीबीड माइनिंग बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द नेशनल जुडिक्शन। इसमें कहा गया, मैंने सीबीड पर बकायदा एक इसी ढंग का एक वीडियो में मैंने सीबीड अथॉरिटी पर बहुत सारी बातें की, तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं। इसमें यह लिखा हुआ है कि यह जो संस्था है इसने बकायदा क्या किया है, जरा देख लीजिए। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से परे, मतलब कि किसी देश की सीमा से दूर स्थित, ठीक है, समुद्री तल के खनन के नियामक जिम्मेदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीबीड प्राधिकरण का भी स्थापना किया। मतलब इसने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा एक समुद्र में माइनिंग के लिए, खासकर जिसको किसी भी टेरिटोरी में ना हो, किसी भी देश की टेरिटोरी में ना हो, उसके लिए बाकायदा एक रेगुलेटरी बॉडी की भी स्थापना की, अंतर्राष्ट्रीय सीबीड प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, और ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है, याद रखेंगे, तीनों ही जो चीजें हैं ये बिल्कुल सही है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक बात आप जान लीजिए कि ये जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी है, ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बॉडी है जो एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है। सीबीट पर मैंने बहुत कुछ बोला है, जरूर बताइएगा कब आया है, और आजकल सीबीट की चर्चा किस ओशियनिक क्षेत्र के लिए हो रही है, प्रशांत के लिए यानी पैसिफिक के लिए, इंडियन के लिए, अरबिक सी के लिए, या अंटार्कटिक सी के लिए। मैंने बहुत सारी बातें पिछले वीडियो मैंने की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग UNCITRAL, ठीक है, यानी UNCITRAL से संबंधित कथनों पर विचार करें। UNCITRAL इज द प्रिंसिपल लीगल इंटिटी विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम डेडिकेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। मतलब यह जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के लिए एक समर्पित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की भीतर, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक कानूनी इकाई है। मतलब यह यूएन के अंदर में जो विश्व व्यापार जो कानून है उसके लिए समर्पित एक फोरम है। यह सही है बात, एक संस्था है, कानूनी संस्था। UNCITRAL इज अ लीगल बॉडी दैट हैज बीन वर्किंग फॉर द 50 ईयर्स विद द यूनिवर्सल मेंबरशिप that is specialized in commercial law reform worldwide। मतलब यह जो है एक कानूनी संस्था है जो सार्वभौमिक संस्था, मतलब कोई भी इसका सदस्य बन सकता है, के साथ 50 सालों से अधिक समय से काम कर रही है, जो दुनिया भर में वाणिज्यिक कानून सुधारों में विशेषज्ञता रखती है, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, जो जितने भी 50 साल से यूनिवर्सल मेंबरशिप है और द स्पेशलाइज्ड इन द कमर्शियल रिफॉर्म वर्ल्ड वाइड, मतलब ये 50 सालों से काम कर रही है, अधिक समय से काम कर रही, दुनिया भर में वाणिज्यिक कानून सुधार में विशेषज्ञता रखती है। मतलब ये संस्था वाणिज्यिक कानूनों को एक तरह से इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। आगे ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है। दूसरा, इट्स एम एट क्रिएटिंग लीगल फ्रेमवर्क दैट प्रमोट्स फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी
एंड इफिशियंसी इन क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल ट्रांजैक्शन। मतलब इसका उद्देश्य कानूनी ढांचा तैयार करना जो सीमा पार वाणिज्यिक लेन देन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है। वाह जी भैया, सही होगा। ऊपर का दो यदि आपको सही लगता है तो नीचे का तीसरा खुद ब खुद सही हो जाएगा। ये तीनों ही सही है। मैत्री सेतु जो न्यूज में है सब जानते हैं, ये बेसिकली किसके बीच में है, तो यहां पर भारत और बांग्लादेश है, लेकिन मैंने यहां पर क्या कर रखा है, हम लोगों ने स्टेट भी दिया रखा है। तो ये त्रिपुरा और भारत बांग्लादेश के बीच में है, यानी भारत का त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु बन रहा है। ये क्या है जरा देखिए, इसमें मैत्री सेतु जो है ये फेनी नदी पर बनाया जा रहा है। पहली बात तो जान लीजिए, फेनी नदी पर बनाया जा रहा है जो त्रिपुरा राज्य में भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच बहती है। फेनी दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलती है। यह नदी भारत की ओर से कहां से सबरूपम शहर से होकर गुजरता है और बांग्लादेश में बहने के बाद बांग्लादेश की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। ठीक है, सबरूपम शहर से होकर गुजरता है। 1.9 किलोमीटर लंबा यह पुल कहां से शुरू होगा, सबरूपम त्रिपुरा से शुरू होगा और रामगढ़ बांग्लादेश में जाकर यह जोड़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे। माना जाता है कि इसका जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसका निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा 133 करोड़ रुपए में किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट पर। द मार्शल प्लान प्रमोट द आइडिया ऑफ द शेयर इंटरेस्ट एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन द यूएस एंड यूरोप। मार्शल योजना ने अमेरिका और यूरोप के बीच साझा हितों और सहयोग को विचार को बढ़ावा दिया। सर ये 1948 में आया था मार्शल योजना, ठीक है, और इसके अंतर्गत सिंपल सा मोटो यह था कि यूरोप का पुनर्विकास किया जाए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप एकदम खत्म हो चुका है और उधर रशिया जो है पूरा कम्युनिज्म का प्रसार कर रहा है। ये डॉलर डिप्लोमेसी का भाग था। इसके अंतर्गत मार्शल योजना के अंतर्गत अमेरिका पैसा के साथ मदद करेगा यूरोप को, ताकि वहां पर गरीबी दूर हो सके और जो रशिया का या कम्युनिज्म का जो प्रभाव बढ़ेगा उसको रोका जा सके। डॉलर डिप्लोमेसी का ही एक अंग है मार्शल योजना। अगला, ये बिल्कुल सही है। अगला है द ब्रांडेनबर्ग रिजोल्यूशन वाज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ब्रांडेनबर्ग संकल्प उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के गठन की दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम था। यह बिल्कुल सही है। भी नाटो 1949 में अप्रैल में एस्टेब्लिश हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आगे, द कलेक्टिव डिफेंस लाइज एट द वेरी कोर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सामूहिक विकास, सामूहिक रक्षा उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का मूल नीति है। सामूहिक सुरक्षा को मैंने कई बार कहा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब होता है एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण माना जाएगा और सब मिलकर के जवाब देंगे। आज नाटो में 32 देश हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है जरूर बताइएगा, ब्रुसेल्स में। ठीक, चलिए देखिए, मार्शल साहब जो थे वो थे बेसिकली उस समय प्रेसिडेंट जो थे वो ट्रूमैन थे, और ट्रूमैन के ये स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मार्शल, और उन्हीं के द्वारा एक तरह से ये इनिशिएटिव उठाया गया था। इसको सिंपल सी बात है कि यूएसएसआर जो आगे बढ़ रहा था उसको यूरोप में उसको पीछे धकेलना पैसे के दम पर। ठीक है, इससे पहले मार्शल योजना से पहले ट्रूमैन योजना आ चुकी थी, जिससे कारण से यूनान को पैसा दिया गया था। ठीक है, तो ट्रूमैन योजना के बाद मार्शल योजना आई थी। ट्रूमैन ने पहली बार प्रयास किया था डॉलर डिप्लोमेसी के तहत कम से कम यूनान को आर्थिक मदद देने का। लगभग 48 करोड़ रुपए दिए गए थे, उस 48 करोड़ डॉलर उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी यूनान को, ताकि वहां पर गरीबी दूर हो सके और साम्यवाद का प्रसार यानी कम्युनिज्म का प्रसार को रोका जा सके। अगला, तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द पार्ट ऑफ अब्राहम रिकॉर्ड। कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट अमीरात बिल्कुल है, इसराइल है, बहरीन है और मोरक्को है। सऊदी अरब नहीं है अब्राहम रिकॉर्ड का पार्ट, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, द अब्राहम एकॉर्ड 2020 इज अ नॉर्मलाइजेशन ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द यूएई एंड इसराइल। इसके बीच यूएई और इसराइल के बीच में अच्छा हो जाए, एक तरह से नॉर्मल हो जाए संबंध, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हो। बाद में अब्राहम एकॉर्ड में बहरीन, सूडान और मोरक्को भी शामिल हो गया।
लेकिन इसके लिए बाकायदा कहा गया कि जो वेस्ट बैंक वाला एरिया जो इजराइल ने कब्जा कर रखा है भैया उसको छोड़ दो, बातें यह थी। एक बात ध्यान रखेंगे, इस अकॉर्ड में साइन करने के बाद यूएई जो है बिकम्स द थर्ड कंट्री जिस अरब नेशन के जिसने रिकॉग्नाइज कर दिया इसराइल को अरब कंट्रियों में। पहले इजिप्ट 79 में रिकॉग्नाइज कर चुका था, जॉर्डन सेकेंड नंबर पर है 1994 पर रिकॉग्नाइज किया, और उसके बाद अब यूएई। वैसे अब्राहम रिकॉर्ड से ये सारे कंट्री भी हैं, बहरीन, सूडान और मोरक्को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ओनली वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट नॉट लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क। मतलब क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र का जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये 6 प्रमुख अंगों में मात्र एक ऐसा अंग है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है? ठीक है, तो बिल्कुल सही है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, यह बेकार, यह हेग में है, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज हैं हु आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ द ऑफिस 6 ईयर्स बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 6 साल पदावधि के लिए चुने जाते हैं। मतलब दोनों का रोल होता है, यूएन असेंबली का भी और सिक्योरिटी काउंसिल का भी, जिसमें 5 मेंबर हैं परमानेंट और 10 जो है वो टेम्प्रोरी है जो नॉन वीटो का यूज करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही, दोनों सही है। तीसरा आइए, इट गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द लीगल क्वेश्चन रेफर टू इट बाय द ऑथराइज यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। यह एकदम सुनने में ही सही लगता है कि यह अधिकृत संयुक्त राष्ट्र अंगों और विशेष एजेंसियों के द्वारा संदर्भित कानून प्रश्नों पर सलाहकारी राय देता है। ठीक, तो यह सही है, बिल्कुल ध्यान रखें। जैसा कि मैंने आपसे कहा, यह हेग में है, ये 6 में से सिर्फ एक है जो न्यूयॉर्क में नहीं है। ठीक है, यह भी बात सही है कि यह लीगल डिस्प्यूट्स को हल करता है, जो भी इसको दिया जाता है उसमें यह काम करता है। कोर्ट में 15 जज हैं, आपको पता ही है, और इसमें यह भी पता हुआ कि 6 साल के लिए, लेकिन एक बार जान लीजिए 1/3 ऑफ द कोर्ट इज इलेक्टेड एवरी 3 ईयर। मतलब एक तिहाई सदस्य जो है वो प्रत्येक तीसरे साल चुने जाते हैं, यह भी ध्यान में आप रखें। अगले प्रश्न पर आइए, इंटरनेशनल ग्रुप G7 में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? ऑप्शन है जर्मनी, रसिया, चाइना, कनाडा, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो आप सब जानते हैं G7 जो है ये विश्व के शक्तिशाली 5-7 जो है इकोनॉमिकली बहुत ताकतवर देशों का अंग है, और यह बेसिकली जो अस्तित्व में जब से आया है तब से इसने बहुत एक तरह से कहा जाए एक दबाव तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक विश्व की स्तर पर जो विकसित देश है उनका एक ताकतवर ब्लॉक बनकर उभरा है 1973 में आया। कौन कौन देश है जरा देख लीजिए, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, यानी इसमें रसिया नहीं है, ध्यान रखेंगे, और इसमें चाइना भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो इस बात को ध्यान में आप लोग रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ। नमस्कार।